नमस्कार सुवीन, आज पुनः सूक्ष्म उपाय घर में वास्तु दोष, मानसिक तनाव, कुंडली में यथायथा ग्रह दोष निवारण के उपाय लेके आने के क्रम में आज पुनः उपस्थित हुआ हूँ। मैं हूँ आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एक्सपर्ट, इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं, विगत के वीडियो की तरह ही आज भी मैं एक बृहद जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मैंने इससे पहले माणिक रत्न धारण की विधि और चंद्रमा के लिए सच्चा मोती धारण करने की विधि प्रस्तुत कर चुका हूँ। तो आज हम मैटर लेके आए हैं कि मूंगा रत्न किस प्रकार धारण करें और कौन से दिन धारण करना चाहिए और किस प्रकार इसको धारण किया जाता है। और सभी मित्रों को मैं बताना चाहता हूँ कि रत्न कोई भी हो, विधिवत तरीके से धारण करना चाहिए। और वीडियो में जो मैं प्रस्तुत कर चुका हूँ और आप जो भी रत्न धारण करना चाहते हैं उस रत्न के विचार विमर्श करके ही आप रत्न धारण करें। और किस प्रकार रत्न धारण करना चाहिए और कौन सा रत्न किस विधि से धारण करना चाहिए इससे पहले मैं प्रस्तुत कर चुका हूँ। तो माणिक और मोती रत्न किस प्रकार धारण किया जाता है इसके बारे में मैं वर्णन कर चुका हूँ। तो आज हम बात करेंगे मूंगा धारण करने की विधि। सर्वप्रथम मूंगा विशेषकर दो प्रकार के होते हैं और मूंगा रत्न नहीं होता, फिर भी हम इसको रत्न में कैटेगरी में रखते हैं, इसलिए हम मूंगा रत्न का ही विचार विमर्श पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। लेकिन मूंगा जो है समुद्री लकड़ी है और समुद्री लकड़ी होने की वजह से वो मूंगा पत्थर नहीं होता है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि मूंगा विशेषकर दो प्रकार के मूंगा प्रचलित है, सॉरी तीन प्रकार के। एक मूंगा आपने देखे होंगे कि ट्रायंगल आकार में होता है, तो एक चकोर आकार में होता है, तो एक कैप्सूल आकार में होता है। तीन मूंगा है और तीनों मूंगा धारण करने की अलग अलग विधि और इसके अलग अलग कार्य भी है। जैसा कि आप जैकेट पहनते हैं तो वो अलग कार्य करता है, तो कुर्ता पहनते हैं तो अलग कार्य करता है, तो जींस पहनते हैं तो अलग कार्य करता है। तो इसी प्रकार से ट्रायंगल मूंगा और चकोर और साथ में कैप्सूल मूंगा, इनकी विशेषताएं अलग अलग है। क्या विशेषता है मैं आपको पुनः दर्शाऊंगा। सर्वप्रथम कैप्सूल मूंगा, आदमी को क्योंकि कैप्सूल मूंगा के अंदर जो पावर है वो थोड़ी निम्न होता है, इसलिए कैप्सूल मूंगा जो है जिनके मंगल ग्रह इतना अच्छा और उच्च स्थिति में विद्यमान नहीं रहता उस आदमी को धारण करना चाहिए। तो तिकोना मूंगा हर प्रकार से शत्रु से विजय प्राप्त कराता है, व्यापार बिजनेस में चौगुना फल प्राप्त करता है, तो प्रॉपर्टी संबंधी कार्य करने के लिए अच्छा फल प्राप्त करता है। तो इसी प्रकार के सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण करने का काम करता है तिकोना मूंगा। और जो चकोर है वो चकोर मूंगा पहनने से शारीरिक कष्ट, मानसिक पीड़ा और घर में चलती आई नाना प्रकार की समस्या के साथ में और ग्रह दरिद्र ग्रहता का पूर्णता निवारण करने के काम भी करता है। इसलिए तिकोना मूंगा, कैप्सूल मूंगा और चकोर मूंगा विशेष तरीके से आप इस विधि से धारण करना चाहिए। मंगलवार के दिन इसको धारण किया जाता है। सर्वप्रथम मंगलवार को ही इसको पूजा करा के धारण करना होता है। मंगलवार को सुबह पूजा कराएं और मंगल से लेकर अगले मंगल तक एक हफ्ते के पूजा होने के बाद इसके बीच में ही बनवाएं। बनवाने के बाद पूजा करने के बाद जिसे धारण करना है उसे बिठाकर विधिवत तरीके से पूजन करके मूंगा रत्न को मंगलवार के दिन प्रातः 10 बजे अथवा 11 बजे तक इसको धारण किया जाता है। धारण करते समय मन में नाम गोत्र और उच्चारण करें। सर्वप्रथम पूजा करें, पूजा करें नाम गोत्र से संकल्प करें, फिर पुनः अंगूठी की पूजा करके भगवान हनुमान जी अथवा भगवान गणेश जी का स्मरण करते हुए इस रत्न को आपको धारण करना है। धारण करने के बाद उसको बार बार अंगूठी में हिलाना नहीं है और बार बार उसको निकालना नहीं है। हर आदमी को स्पर्श नहीं करना देना है, इसका यही नियम है। इसके अलावा वो किसी भी अवस्था में अशुद्ध नहीं होता है। इसलिए मूंगा आप शत्रु से पीड़ित हैं तब धारण कर सकते हैं, मानसिक पीड़ा है तब धारण कर सकते हैं, विशेषकर कुंडली का दर्शन कराने के बाद ही आप इसको धारण करें तो आपका अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। हस्तमित्र आज के लिए इतना ही, फिर एक और टॉपिक लेकर मैं मुलाकात करूंगा। जब तक आप कुशल रहे मंगल गए और मंगलकारी यात्राएं करते रहे। हरिओम।